राजस्थान में कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक रूप से 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जोधपुर से भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार प्रकोप कोरोना का जारी है। हालांकि अभी चिकित्सा विभाग ने पुष्टि नहीं की है। सबसे अधिक भीलवाड़ा जिले से 12 केस सामने आ चुके हैं। 3 झुंझुनू, 1 सीकर, 1 पाली और 8 पॉजिटिव मरीज जयपुर में मिले। हालांकि 3 कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव यहां पर आई है। अभी 40 सैंपलों की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। लगातार प्रकोप कोरोना का जारी है, ऐसे में हम सभी को बहुत ध्यान रखने की, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। ₹300 से ज्यादा संदिग्ध लोग आए हैं और उसमें 25 लोग पॉजिटिव आए हैं। 25 में से 3 को हम ठीक कर पाए हैं। 22 लोग अभी पॉजिटिव केसेस के रूप में भर्ती हैं अलग अलग जगह पे। पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टेड हो चुके हैं और 13,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। और जिस तरह से ये फैल रहा है, ये चिंताजनक बात है। इसीलिए आम व्यक्ति से हम अनुरोध करते हैं कि राज्य सरकार के लोग राज्य सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले पर अपना सहयोगी रुख रखें। तकलीफ जरूर आपको उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए ही ये फैसले ले रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ने राज्य भर में दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन किया है। इस दौरान ना बसें चलेगी, ना कोई संस्थान खुलेंगे, सब सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जो आवश्यक वस्तुओं के लिए दवाइयां हैं, फल सब्जी है, किराना की दुकान है या दूध की दुकान है, वो खुली रहेगी। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए किया गया है। जिस तरह से भीलवाड़ा में और झुंझुनू में कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को, ये कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा वहां पे, तत्काल वहां कर्फ्यू लगाया गया। तो अभी जो संक्रमण का दौर है वो तीसरा दौर है और खतरनाक दौर में हम हैं। इसीलिए ये सब कठोर कदम उठाने पड़े। अभी जो हमारे 1 करोड़ लोग बीपीएल फैमिलीज हैं या स्टेट बीपीएल परिवार हैं, उनको राज्य सरकार ने 5 किलो राशन निशुल्क देने का फैसला किया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश शोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए, लगातार कोरोना वायरस का जो दायरा है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। 40 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। क्या सिचुएशन वहां पर है? एसएमएस हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती है, किस प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा कि अब तक पूरे प्रदेश में आधिकारिक तौर पर 25 कोरोना पॉजिटिव की जो पुष्टि हो चुकी है। जी, करीब 40 जो सैंपल है उनका रिपोर्ट आना बाकी है। ये सैंपल देर रात तक लिए गए थे, इसके बाद में जो आज सुबह जो सैंपल लिए गए उनके अभी डाटा सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ी संख्या में आज भी जो संदिग्ध मरीजों का है वो सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना का राजस्थान में दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का चिकित्सा महकमा एहतियात बरत रहा है और लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। बात करें अपन तो सबसे अधिक भीलवाड़ा में सबसे अधिक 12 पॉजिटिव के सामने आए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जोधपुर में भी 1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आया है, लेकिन अभी चिकित्सा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन इस तरह से लगातार इनकी राजस्थान में जो कोरोना के संदिग्ध मरीजों के साथ साथ पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में अलग अलग जगह, भीलवाड़ा, जयपुर और साथ ही बात करें तो अन्य जगह पर जो संदिग्ध मरीज है उनको आइसोलेट किया गया है, ताकि वो किसी और के संपर्क में नहीं आए और ये कोरोना जो वायरस है वो अन्य लोगों में नहीं फैले। साथ साथ बताना चाहूंगा कि जो कोरोना संदिग्ध मिले हैं उनसे संपर्क में आने वालों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। बिल्कुल जी, पूरे राजस्थान की बात करें तो लाखों लोगों की अब तक स्क्रीनिंग की जा चुकी है कि किस तरह से उनके जो सिम्टम्स हैं वो हैं। अगर कोरोना से संबंधित किसी के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनको होम आइसोलेशन के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो घर से बाहर नहीं निकले, अपने आप को बचाएं और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का चिकित्सा महकमा, पूरी प्रदेश की सरकार वो लगी हुई है और प्रदेश के कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए ही दे
देर रात से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को 31 मार्च तक लॉकडाउन किया है। जी जी बिल्कुल लोकेश, मैं ये चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि क्या क्या कदम सरकार के द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं, 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है और क्या क्या निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगी, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को रोक को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक लॉकडाउन के निर्देश दिए गए। इस दौरान जरूरी सेवाओं यानी कि बिजली पानी सहित जो चिकित्सा विभाग जो महत्वपूर्ण है उसके साथ साथ जो खाद्य सामग्री की जो चीजें हैं वो केवल लोगों तक उपलब्ध करवाई जा सकेगी, यानी कि जो राशन की दुकानें हैं, जो डेयरी है, जो तमाम जो जरूरत के सामानों की जो दुकानें वो खुली रह सकती है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगी पूरे प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है वो बंद कर दी गई है। इसके लिए अलग से कोर कमेटी गठित की गई, किस तरह से जो लॉकडाउन के दौरान जो आम जनता से यानी कि निर्देशित किया जा सके, आम जनता को किस तरह से यानी कि इन सब चीजों को लेकर जानकारी दी जाए और आम जनता को किसी तरह की समस्या नहीं हो, इन सब चीजों को लेकर भी कमेटी है जो गठित की गई है वो लगातार कर्मचारियों से मॉनिटरिंग करती रहेगी और निर्देशित देती रहेगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक निर्देश दिया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में मई माह तक का जो राशन का जो गेहूं मिलता था खाद्य सुरक्षा के तहत वो बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन दी जाएगी वो अप्रैल के पहले महीने में ही इनकी लोगों को दे दी जाएगी ताकि लोगों के पास पैसे की जो किल्लत है वो नहीं हो सके। साथ ही साथ मैं एक और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शहरी क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विशेष तौर से ध्यान देते हुए शहरी क्षेत्रों में अगर जरूरत पड़ी तो खाद्यान्न के पैकेट उपलब्ध करवा लेंगे, जो मजदूर और गरीब तबके के वर्ग के जो लोग हैं बिल्कुल खाद्यान्न की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है, कल देर रात जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि 31 मार्च तक लॉकडाउन है, इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की जो दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। जयपुर से खबर, जहां एसएमएस हॉस्पिटल में N95 मास्क की किल्लत, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ ने शिकायत की है, 2.5 लाख मास्क का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिनको जरूरत थी उन तक मास्क पहुंचे ही नहीं। 2.5 लाख मास्क जो थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, N95 मास्क की किल्लत सामने आ रही है। डॉक्टर्स, रेजिडेंट और जो नर्सिंग स्टाफ हैं उन्होंने शिकायत इस बात की है।